सर अंग्रेजी सीखूं या ना सीखूं, ये सवाल बहुत आता है। आप में से कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि हम अंग्रेजी इम्प्रूव करेंगे, कई लोगों ने हमें सराहा है उन वीडियोस के लिए, लेकिन कई लोगों ने कहा सर क्यों सीखें अंग्रेजी। तो आज इस वीडियो में ये उत्तर देना चाहूँगा कि क्यों सीखें। वैसे तो मैंने अपने पहले दो वीडियोस में भी थोड़ा थोड़ा बताया है, पहले तो मैं ये फिर से क्लैरिफाई कर दूँ, क्या है अंग्रेजी? सिर्फ एक भाषा है? तो मुझे ये बताइए, क्या आप इतने कमजोर हैं कि एक भाषा नहीं सीख सकते? जहां आदमी रॉकेट साइंस सीख पा रहा है, चांद पे कैसे जाना है वो फिगर आउट कर पा रहा है, समुद्र के नीचे 40 मीटर नीचे, 500 मीटर नीचे तक जाके कैसे रहना है वो फिगर आउट कर पा रहा है, अंतरिक्ष पे क्या करना है और वहां पे जाने के लिए अंतरिक्ष यान कैसे बनाना है, उसके अंदर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसके अंदर आदमी जिएगा कैसे एक साल तक और वहां से वापस कैसे आएगा, ये सब चीजें आदमी खोज सकता है, तो क्या आप एक छोटी सी भाषा नहीं सीख सकते? अब मैं आपको एक चीज कहूंगा, कोई जरूरी नहीं है अंग्रेजी सीखना। मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूं ना, और हिंदी में वीडियो बनाने के बाद भी आप तक पहुंच रहा हूं, तो कोई जरूरत नहीं है अंग्रेजी सीखने की। कई सारे जापानीज को अंग्रेजी नहीं आती, कई सारे चाइनीज को अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, बट अब यहां पे एक छोटी सी चीज समझनी है, सीखने में कोई नुकसान है? मेरे हिसाब से सीखने में कोई नुकसान नहीं है, राइट? ये कहा जाता है कि जब एक इंसान एक लैंग्वेज को सीखता है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी उसके दिमाग की वो फैकल्टी डेवलप होती है जिससे कि वो ज्यादा अच्छे से चीजों को एनालिसिस कर पाता है, डिसीजन ले पाता है और समझ पाता है। तो जब एक लैंग्वेज सीखने से आपको ये सारे फायदे हो सकते हैं तो करने चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप अंग्रेजी सीखने के कारण या नहीं सीखने के कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या घटता है, तो सिंपल है, डिसीजन आपका है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज आपका कॉन्फिडेंस मान लीजिए लेवल 10 पे है, जिस दिन ये कॉन्फिडेंस लेवल 100 पे पहुंच गया, क्या एक साल भर में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा पाएंगे? दोस्तों देखिए, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल 10 पे है वो मान लीजिए 10,000 कमा रहा है, तो लेवल 100 पे आने के बाद वो कम से कम 1 लाख रुपए तो कमाई लेगा। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां है और यहां से यहां आ गया, तो इनकम में डेवलपमेंट यहां से यहां नहीं आएगा, इनकम में डेवलपमेंट यहां से यहां आएगा। आप मेरी बात से सहमत नहीं है ना? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब मुझे नहीं आती थी अंग्रेजी, जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, तब वही 10-12 हजार रुपए महीना। आज मुझे अंग्रेजी भी आती है, आज मेरे अंदर अंग्रेजी बोलने का कॉन्फिडेंस भी है, आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं लेकिन मेरे माइंड में यह है अंग्रेजी में कोई आए तो सही बोलने के लिए, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड फ्लॉलेसली बोल सकता हूं, बहुत अच्छी कमांड के साथ बोल सकता हूं। 500 लोगों को बिठा दीजिए या 5,000 लोगों को बिठा दीजिए, चाहे अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने की बात हो, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भारत का पहला स्पीकर हूं जिसे यूनाइटेड नेशंस में जाके अपनी बात रखने का मौका मिला। दोस्तों वहां मैंने हिंदी में बात नहीं करी, लेकिन आप मत बोलिए अंग्रेजी में, आपको ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। एंड आई मीन इट दोस्तों, सिंपल है, जब आज मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में भारत को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो क्या इससे मेरे देश की तरक्की हो रही है? यस। क्या इससे मेरे देश के युवा को इंस्पिरेशन मिल रही है? यस। क्या इससे मेरे माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है? यस। क्या इससे मुझे ज्यादा असाइनमेंट्स मिल रहे हैं? यस। क्या इससे मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है? यस। तो जब एक छोटी सी चीज करके इतने सारे द्वार खुल सकते हैं, तो हमें खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? 100% खोलने चाहिए। एम आई राइट? आपका कॉन्फिडेंस जब यहां से यहां जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा, जब आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जब आपका तरक्की बढ़ेगी, जब आपकी ख्याति बढ़ेगी, तो आप कितने लोगों को हेल्प कर पाएंगे। अंग्रेजी सीखना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये भी बेवकूफ़ी होगी कि जो भाषा पूरी दुनिया का द्वार खोल सकती है उसी को हम ना सीखें। एंड देखिए, हम अंग्रेज तो नहीं है और हमें अंग्रेज बनना भी नहीं है, ना हमें उनके तौर तरीके और ना हमें उनके चाल चलन से ज़्यादा प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर भी बहुत रिच है, इंडियन कल्चर है यार, अनेकता में एकता, एक ऐसा देश जहाँ पे हर धर्म का आदमी साथ रहता है, एक जगह पे रहता है, प्यार से रहता है, मतलब इतनी बड़ी मिसाल
है ये दुनिया के सामने, कि दुनिया के कई लोग आज भी कहते हैं यार कैसे संभव है। तो दूसरे धर्म की कुछ चीजें सीखने में या दूसरे कम्युनिटी की या दूसरे देश की कुछ चीजें सीखने में किसी तरह की कोई भी आपत्ति हमें होनी नहीं चाहिए दोस्तों। जितना सीखेंगे उतना बढ़ेंगे, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। अपना दायरा बढ़ाइए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। देखिए मैं सीखा हूँ, उसके बाद मैंने चूज़ किया है कि मैं वीडियो हिंदी में बनाऊंगा या अंग्रेजी में बनाऊंगा। आज मेरी स्पीचेस होती है वो 80-90% हिंदी में ही होती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हिंदी बात करना। ये मेरी मातृभाषा है, मुझे गर्व है, ये भाषा मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस भाषा में मैं अपने उद्गार व्यक्त कर सकता हूँ, इस भाषा में मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो आई लव हिंदी, मुझे अच्छा लगता है हिंदी बात करना। लेकिन दोस्तों कई बार ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे बहुत बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पड़ रहा है, और जब ऐसा है वहाँ पे वो लोग अगर मुझे 0.1% भी, और पता नहीं ये क्यों है, लेकिन इंडिया में कई लोग अगर बहुत बड़े लेवल की पार्टी में आप जा रहे हो वहाँ सीधे जाते हैं, हाय हाउ आर यू, पता नहीं उनको हिंदी बोलने में क्या कांटे लगते हैं, लेकिन नहीं बोलते। मैं कितने लोगों को बदलाऊंगा, कितने लोगों को चेंज करूंगा। मैं अक्षय कुमार नहीं हूं कि वहां खड़ा होकर बोल दूं लंदन में इतना प्रॉब्लम है लेकिन इंडिया इज लाइक दिस इंडिया। आपने देखा होगा वो लंदन से रिलेटेड एक मूवी थी ना अक्षय कुमार की, नमस्ते लंदन करके एक मूवी थी ना, जिसमें अक्षय कुमार ने बड़ा सा भाषण दिया और एक लड़की ने वहां पे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो कटरीना कैफ ने, राइट। मैं अक्षय कुमार नहीं हूं दोस्तों कि किसी भी पार्टी में जाऊं और लोगों को इतना लंबा चौड़ा भाषण अंग्रेजी के ऊपर पिला दूं। तो इससे बेटर है ये कि जिस लैंग्वेज से पूरे देश के दरवाजे, पूरी दुनिया के दरवाजे, हर एक डिपार्टमेंट के दरवाजे खुल सकते हैं, हर एक बड़े आदमी के दरवाजे खुल सकते हैं, हर एक अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल सकते हैं, उसे सीखना तो सबसे पहले ज़रूरी है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा हूँ। मैं उसको एक ही चीज़ कहता हूँ, डूब के मर जा। साला कैसे नहीं सीख पा रहा तू अंग्रेजी, क्यों नहीं सीख पा रहा अंग्रेजी बता तो सही, क्या इतनी औकात नहीं है अंग्रेजी सीख के अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी ला दे। भाई मेरे सुन तो सही, या बहन मेरी समझ तो सही, क्यों नहीं हो रहा ये? क्या एक्सक्यूजेस देने की बीमारी लग गई है? क्या छोटा सोचने की बीमारी लग गई है? क्या नेगेटिव बने रहने की बीमारी लग गई है? क्या इसके लिए कभी बहुत दिल से प्रयास किया? क्या एक साल तक दिन और रात इसके ऊपर दिया? नहीं दिया होगा। तो कैसे ही निर्धारित कर लिया कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता या मुझे अंग्रेजी नहीं आती? पढ़ तो सही तू रोज अंग्रेजी एक एक मिनट अगले एक साल तक, सुन तो सही तू अंग्रेजी अगले एक साल तक एक एक मिनट, अगर फिर भी नहीं आए तो आई एम टेलिंग यू ऐसा इम्पॉसिबल है, आएगी ही आएगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। भाषा है यार, एक छोटे बच्चे को एक साल अंग्रेजी सुना दो वो सीख जाएगा। तो तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो बड़े हो यार। दोस्तों बहुत जरूरी नहीं है सीखना, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सीखने से आपका कॉन्फिडेंस लो है तो जरूरी है, और मैं कहता हूं सीखने में बुराई नहीं है, राइट। सो सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक कोच की जरूरत है जो कि आपको सिखा सके, तो मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी, जिसमें मैं आपको अंग्रेजी कैसे सीखनी है ये भी बताऊंगा, अंग्रेजी में प्रोनंसिएशन कैसे डेवलप करना है वो भी बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी पर्सनालिटी का हर एक हिस्सा कैसे डेवलप करना है, जैसे कपड़े कैसे पहनने हैं, 5-star होटल में जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करना है, स्टेज पर खड़े होकर कैसे बात करनी है, गोल्स कैसे सेट करने हैं, टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, जॉब के लिए रेज्यूमे कैसे बनाना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर करना है, ऐसे हजारों मुद्दे हम इस ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी प्रोग्राम में आपके लिए लेके आ रहे हैं। नीचे लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, पूरी डिटेल कोर्स के बारे में जानें, पढ़ें और फिर निर्णय लें कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस दिन आपने अपनी पर्सनालिटी को नंबर 1 बना लिया, जिस दिन आप अंग्रेजी सीख गए, मैं तो शायद बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैंने अभी तक सिर्फ 25-30 लाख रुपए महीने तक मैं पहुंचा हूं, शायद आप मुझसे भी ऊंची उड़ान ले लें, 3 करोड़ महीने तक पहुंच जाएं, 30 करोड़ महीने तक पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी कला को निखारिए, अपनी जिंदगी को संवारिए, अपने हर एक सपने को पूरा कीजिए।
मरना नहीं है जब तक हर एक सपना पूरा ना हो जाए, मरने के 500 साल बाद भी जिंदा रहना है, एम आई राइट? तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा दोस्त, जलना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। तैयार है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट कर और मुझे बता कि यस आई एम कमिटेड, आई एम रेडी। दोस्तों और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा इस चैनल में जो कि आपको इंस्पायर करेंगे, जोश दिलाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि 95% भारत को अभी भी अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। एम आई राइट? मेरे अंग्रेजी के ऊपर बने हुए दोनों प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखें, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू।